3 अक्टूबर को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 274 रुपए बढ़कर 75,762 रुपए पर पहुंच गया और चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 1600 अंकों के से ज्यादा के गिरावट के साथ दर्ज की गई, जबकि निफ्टी 500 से ज्यादा अंक टूट गया। बाजार में इस गिरावट से निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ डूब चुके। ईरान और इसराइल के बीच टेंशन ने हवाई यातायात पर भी बुरा असर डाला। वॉर के बीच फ्लाइट किराया हुआ महंगा, बिजनेस क्लास का किराया 2 गुना, इकोनॉमी क्लास का किराया 4 गुना हो गया। अनिल अंबानी ने भूटान में सोलर प्लांट स्थापित करने के साथ ही दूसरी परियोजनाओं पर भी काम करने के लिए डील साइन की है और इसके लिए रिलायंस एंटरप्राइजेस नाम से नई कंपनी बनाई गई है। उनकी कंपनी 1,270 मेगावाट की सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम करेगी। अडानी समूह ने दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है और ये पार्टनरशिप भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में काम करने से जुड़ी हुई है। दोनों मिलकर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक दूसरे का सहयोग करेंगे।